अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हुसबाजी। तो आज हमारे कुकिंग व्लॉग में बन रहा है गोश्त का अचार, और इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गोश्त, छोटे छोटे पीस में कट करके ले लिए हैं और इसको हल्दी और नमक से धो दिया है। और इसको मैंने नमक और पानी डाल के प्रेशर कुक कर दिया है ताकि गोश्त गल जाए। अब मैं इसमें ओपन कुकिंग करूँगी ताकि पानी ड्राई हो जाए, और जब ज़रा सा पानी हो तो मसाले ऐड करना स्टार्ट कर दें। यहाँ मैंने डाले हैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब इसको कम्प्लीटली ड्राई होने तक चलाते जाना है, और अगर आपका मीट टेंडर है तो आप प्रेशर कुक वाला स्टेप अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ओपन कुकिंग ही कर सकते हैं। और यहाँ तैयार हो गया है हमारा सूखा गोश्त, इसको हमने निकाल के रख लिया है। अब हम अचार के लिए साबुत मसाले को भूनेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच राई और ज़रा सा कलौंजी। यहाँ मैंने मसालों को भून लिया और उसको पीस के रख दिया है। और यहाँ मैंने कढ़ाई में लिया है 1 कप तेल, और इसमें जाएंगे साबुत मसाले। जब तेल गर्म हो जाएगा तो पहले हम डालेंगे 1-1 चम्मच जीरा, मेथी और राय। इसके बाद जाएगा 4 से 5 सूखे लाल मिर्चें और 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें को अच्छे से धो लिया है और उसको सुखा दिया है। यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप बारीक कटा हुआ लहसुन, और उसके साथ जाएगा कड़े पाक। और अब इसको हम चलाते जाएंगे। यहाँ हमने तल लिया है, और जब लहसुन का कलर लाइट गोल्डन होना शुरू होगा तो हम ऐड करेंगे गोश्त। यहाँ हम गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। इसको ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं करना है या फिर सॉफ्ट भी नहीं करना है। अगर आप बंद करके कुक करेंगे तो सॉफ्ट हो जाना है, तो आप ओपन कुकिंग करें। और बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्रिस्पी भी ना हो जाए। हमने यहाँ अचार के मसाले डाले नहीं है, उससे पहले ही इसमें से बढ़िया खुशबू निकल आ रही है। बड़े अच्छे से हमने गोश्त को तल लिया है। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ, और इसमें अब जाएगा अचार मसाला जो हमने पीस के रखा हुआ था, और उसके बाद इसमें जाएगा 3 से 4 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो और भी बेहतर है। और अब इसमें जाएगा नमक, इसको पहले चख लें फिर डालें। हम ये मसाला स्टोव बंद करके इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मसाला जल के काला हो जाएगा, तो ध्यान रहे कि आप स्टोव बंद करके ही ये मसाले डालें। यहाँ हमने अचार को ठंडा होने के लिए रख दिया है, और ये कम्प्लीटली कूल हो जाना चाहिए, फिर जाके इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। यहाँ यूज़ हुआ है 4 से 5 नींबू, और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और खुशबू तक ज़बरदस्त आ रहा था। मन करा था कि ऐसे उठा के खा लें। एक्चुअली अगर आप अचार बनाएंगे उसको 2 दिन रखेंगे तो उसका टेस्ट और भी उभर के आएगा। अब मैं इसको क्लीन जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ आपने नोटिस किया होगा मैंने बहुत कम तेल यूज़ किया है, क्योंकि हमारे घर में इस अचार को तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाना है, तो इसलिए मैंने बहुत कम तेल यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको स्टोर करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा तेल यूज़ कर लें, और जार में स्टोर करते वक्त ऊपर से गरम तेल डाल के रख देंगे तो फ्रिज में 4 से 6 महीने तक आराम से रहेगा। आपने हमें अचार बनाते हुए देख लिया तो चखते हुए भी देख लें। ये हमारा नॉर्मल मील है, चावल, आलू कीमा, दाल सब्जी और हमारा ऑल टाइम फेवरेट गोश्त का अचार। तो आपने देखा होगा इसका रेसिपी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब हम खा के दिखाते हैं कैसा टेस्ट कर रहा है। ये मैंने नॉर्मल जो घर में बनता है ना दाल चावल, यहाँ मैंने सब्जी चावल और कीमा आलू लिया है, इसके साथ एकदम सही रहता है। एकदम ज़बरदस्त। अगर आप घर में खाली दाल चावल और कोई साइड डिश नहीं बनाना चाह रहे, आपकी तबीयत ख़राब है,
सिर्फ दाल चावल के साथ ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, अब ज़रूर ट्राई करना। आपको ड्रिल तो पता है ना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय।